बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो शाम का टाइम है, मैं बैठा हुआ हूँ चूल्हे के पास। अम्मी खाना बना रही थी तो मैं अक्सर अम्मी के पास ही बैठता हूँ जब भी अम्मी खाना वगैरह बना रही हो ना। तो अभी मैं आया था बाहर से, शॉप से कुछ सामान वगैरह लेना था मुझे, वो लेके आया हूँ मैं। असल में आज हम बना रहे हैं बर्गर, क्योंकि मैं घर से बाहर था और सिस्टर कह रही थी कि आप घर आए हो तो कोई चीज़ ही खिला दो। तो मैंने कहा कि मैं आपको बर्गर खिला देता हूँ। तो अभी मैं गया था बाज़ार तो सामान वगैरह तो खैर मैं ले आया हूँ सारा। तो एक तो चीज़ें थी वो मैं नहीं लेके आया, मैंने कहा बिल्कुल सिंपल से हम बनाएंगे बर्गर इंशाल्लाह। तो आज हम बना रहे हैं जी, क्या बना रहे हैं, आई थिंक शलजम, आलू और शलजम बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे तो फेवरेट हैं वैसे भी। तो ये मैं डबल रोटियाँ लेके आया था, इसको सेंटर से हम कर लेते हैं दो ही से। तो उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करके इसमें जो चीज़ें लगाने वाली है अंडा वगैरह वो लगा के हम इंशाल्लाह इसका बर्गर तैयार करेंगे। यार ज़रूरी तो नहीं है ना कि वही स्लाइस लेके आए जिनका बर्गर बनता है, हम इसका भी बना सकते हैं, वो अलग बात है। आई थिंक इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन ये है कि इससे भी अच्छे बन जाते हैं। तो इसको इन तीनों को मैंने कर लिया है दरमियान से, दो हिस्से कर लिए हैं इसको अच्छे से। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम इसको बना लेते हैं। तीन अंडे ये माशाल्लाह हमारे घर की मुर्गियों के हैं, तो इनको मैं एक कोली के अंदर तोड़ लेता हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम बनाते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार अंडा तोड़ते हुए ना मुझे बड़ा तरस आता है इसमें, ये बड़ा नाजुक जो होता है, नाजुक सा, तो मुझे तोड़ने में ना बड़ा मुश्किल सा होता है इसे तोड़ने में। तो या अल्लाह खैर। तो अंडों को अच्छे से मैंने फेंट लिया है, अब इसके अंदर हल्का सा डाल देते हैं हम ये चाट मसाला है मेरे पास, ये थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देते हैं ताकि ये जो है इसका जायका थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ हाफ चम्मच तकरीबन मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो ये है जी ताकि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाए। तो ये हाफ चम्मच तकरीबन मैंने इसके अंदर डाला है, इसको अब अच्छे से कर लेते हैं फिर से मिक्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जला लिया, दूसरे चूल्हे पे मैं आज नहीं बना रहा हूँ, आज किचन में बना रहा हूँ दूसरे चूल्हे पे गैस पे। तो फ़िलहाल आग मैंने जला ली है और जैसे ही तवा गर्म होता है इंशाल्लाह तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो जो चीज़ें हैं हमारी वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रख ली हैं, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये टमाटर मैंने काटा है, टमाटर इसके ऊपर लगाऊँगा थोड़ा थोड़ा। तो चूल्हा हो गया हमारा गर्म, तो अब इसके ऊपर घी को हम रख देते हैं, थोड़ा सा घी डाल के इसके ऊपर जो स्लाइस है हमारी डबल रोटी की उसको अच्छे से कर लेते हैं फ्राई इंशाल्लाह, और बनाते हैं हम बर्गर इंशाल्लाह। ये हो गया, अब जो स्लाइस है हमारी डबल रोटी की अब उसको अच्छे से कर लेते हैं फ्राई, पहले एक को कर लेते हैं और फिर दूसरे को इंशाल्लाह। तो स्लाइस हो गई है हमारी गरम, अब जो ये अंडा है हमारे पास ये मैं थोड़ा सा डालता हूँ जितना यानी कि एक बर्गर के लिए चाहिए होता है, तो इसको हम डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ये भी हमें गोल ही बनाना होगा क्योंकि जो डबल रोटी है वो भी हमारी गोल है। तो अंडे को कर लेते हैं जी अच्छे से हम फ्राई, अंडे को मैंने स्लाइस के ऊपर रख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो टमाटर है हमारे पास उसको मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं ऊपर लगा लेता हूँ और ऊपर इसके डाल देते हैं हम केचप। मायोनीज यहाँ से नहीं मिलती हमारे गांव से, इसलिए मायोनीज मैं नहीं इसमें यूज़ कर रहा, क्योंकि केचप भी काफ़ी होती है वैसे, थोड़ा सा टेस्ट ही आना चाहिए यार। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर मैंने केचप भी डाल दी है, तो ये थोड़ी सी मैं इस साइड पर भी डाल देता हूँ। तो कैसे वाला अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऊपर डाली है, अब जो ये वाली स्लाइस जो है मैं इसको रख देता हूँ इसके ऊपर और बर्गर जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया।
अल्हम्दुलिल्लाह, बर्गर हमारे बिल्कुल तैयार है, खाने आए तो आ जाएं, गर्मा गर्म है अभी फिलहाल। और पता है शहरी जो लोग होते हैं वो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं इन चीज़ों का। खैर, अब गांव वाले भी कम नहीं है, तो बर्गर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें माशाल्लाह, फिलहाल मैं इसे खा लेता हूँ। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।